बॉडी बिल्डर बने रहेगा तू, तेरे से एक धागा नहीं टूट रहा है। माय गॉड, ये देखो बॉडी बिल्डर, एक धागा नहीं टूटता इससे। Vlogs day 2 and we are just exploring the Lucknow. It's although it's so hot, but we have planned to go to Harley because Varun ki bike mein kuch missing ka problem aa raha hai, usko check karana hai. Plus Sameer ki bike mein bhi thoda sa bahut issue hai Road King mein, so he also want to fix that. So I'm also giving a company to them. So we are going to the Harley. उसके बाद दिन में हम फिर कहीं बाहर ही लंच करेंगे, देन वी विल सी कि डिनर कहाँ पे करना है एंड वी जस्ट रोम अराउंड। वैसे लखनऊ में कुछ रिकॉर्ड करने और देखने लायक है नहीं, दिस इज एज गुड एज नोएडा दिल्ली गुड़गांव, बट स्टिल दिस गोमती नगर इज वन ऑफ देयर गुड लोकेलिटी इन लखनऊ। सो लोग मतलब लोग बोलते हैं इट इज़ kind of a South Delhi for Delhi and the Gomti Nagar is for Lucknow. We just hit the Harley outlet. We just need to take a U-turn from here or after 100 meters it is on our left. The traffic is na so undisciplined here. मतलब यहाँ पे लोग मतलब हेलमेट भी इतना नहीं लगाते हैं और लेफ्ट राइट जहाँ मन करता है वहाँ घुसा कर आते हैं। पीपल आर कमिंग रॉन्ग वेज ऑल्सो, सो आई डोंट नो बट traffic is so disturbing over here. That's the Harley Davidson. I don't know, छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है बट है किधर? Where it is? अच्छा there is it. ये पीछे Harley है। अच्छा this is service center. सो वी आर गोइंग टू नौशी जान, समवन टेल मी कबाब बहुत अच्छे हैं, तो वी आर जस्ट गोइंग टू नौशी शान, आई डोंट नो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। सो फार सो गुड, सो लेट्स हिट अगेन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर मोर देन 40 degrees, सो बट इन एनी वेज लेट्स राइट। नाइस प्लेस, ये देखो छपरीपन से नहीं मानते हैं वहाँ, ये ऐसे निकालिए बगल से पता नहीं कहाँ जाएंगे। दैट्स द रेस्टोरेंट वेयर वी आर गोइंग टू हैव अवर लंच, बट नाउ द प्रॉब्लम इज टू पार्क द बाइक, सो वेयर वी हैव टू पार्क द बाइक दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर हियर बिकॉज देयर इज नो डेडिकेटेड पार्किंग फॉर द बाइक्स, बट कुछ रेस्टोरेंट वाला कुछ बोल रहा है कि इधर कुछ करके खड़ा कर दे, तो दैट्स आवर काकोरी। Let's try the kakori. That's the manjilis. I don't know how it tastes. For lunch from this Noshi Jan. Now we are just pushing back to hotels. Then we have some chit chat. उसका शाम को फिर निकलेंगे हम लोग, जब मौसम पूरा ठीक हो जाएगा डिनर के लिए। Then as usual, tomorrow morning as early as possible we leave for our home. So it's again a 600 kilometers, and I hope मौसम ऐसा ही बना रहे, ज़्यादा बारिश वारिश ना हो। डे 3 एंड वी आर पुशिंग बैक टू दिल्ली, सो फाइनली वी आर रोलिंग, इट्स 10 इन द मॉर्निंग, लेट्स सी हाउ सून वी विल हिट, सो लेट्स रोल। सो दैट्स समीर, दैट्स वरुण, दैट्स माय फैट बॉय एंड वी हैव त्यागी एज वेल, ही स्वेटिंग लाइक एनीथिंग, आई डोंट नो क्या होगा, सो लेट्स रोल। Oh, that's my fat boy.
स्ट्रगल अभी पूरी है बिकॉज वी नीड टू क्रॉस दी एंटायर लखनऊ टू रीच दी हाईवे एंड माई फ्यूल रेंज इज 247 तो एटली 200 किलोमीटर चलेगी तो वी विल रीच टू दी फर्स्ट पेट्रोल पम्प इन अ कम्फर्टेबल वे तो रोल एंड हिट दी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे सो नाउ वी हैव 300 किलोमीटर्स ऑन 317 टू प्रिसाइज ऑन दिस हाईवे सो थिंक इट्स अ राइड ऑफ फॉर एटलीस्ट 4 hours ऑन दिस हाईवे then from other harder exact is 116 then from this 316 we have to take another 250 so we have crossed the all mess of Lucknow and finally we are on the Lucknow expressway so far so good ek ab aalsi bhari trip start ho rahi hai so we have to do nothing on this highway instead of a good sleep सीरियस इसकी प्रेजेंस ऐसी है ना तो एक्चुअल रोड किंग ही है इट्स स्टार्ट रेनिंग हार्ड वी जस्ट टेक अ हॉल्ट एट दिस फूड प्लाजा दिस फूड प्लाजा इज अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम लखनऊ फ्रॉम द वेयर द टोल स्टार्ट्स एग्जैक्टली सो इट्स गुड कि जैसी बारिश शुरू हुई हमें ये शेड मिल गया वी जस्ट स्टॉप हियर और रोड गीला हो गया तो थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाएगा मौसम चला रही मज़ा आएगा और अभी नेक्स्ट हॉल्ट जो है यहाँ से 100 किलोमीटर्स बाद होगा बिकॉज द सेम काइंड ऑफ फूड प्लाजा इज अहेड आफ्टर 100 किलोमीटर्स तो वी विल टैंक अप एंड लेट्स सी बारिश अभी हमें मिलती है या नहीं मिलती है और थोड़ा कॉशियसली भी चलाना पड़ेगा बिकॉज रोड वेट होगा तो वेट कंडीशन में वी कांट राइड सो हार्ड और थोड़ी कीचड़ वीचड़ भी चलती रहती है सो वी नीड टू बी कॉशियस तो आई एम नॉट राइडिंग मोर देन 100 इन दिस राइडिंग कंडीशंस बिकॉज 400 किलो की बाइक है अगर हल्का सा स्केट करेगी तो इट बिकम टफ टू मैनेज दिस बाइक सो मौसम बढ़िया है बाइक बढ़िया है रास्ता बढ़िया है लेट्स हिट द रोड और हवा का लेते हैं मज़ा शाम के 6 एंड लुक एट दिस स्काई मैन कंप्लीट ऑरेंज स्काई वाओ तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ जेवर में बैठे थे फॉर अ कॉफ़ी एंड जस्ट टू अपना पूरा हिसाब करने के लिए सो यहाँ से मेरा घर इज़ अबाउट कितना 35-40 मिनट्स ऑफ फ्लाइट तो आज भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 8.5 hours में भी कंप्लीट द एंटायर ट्रिप फ्रॉम लखनऊ टू नोएडा माय स्टे प्लेस ऑल्दो वरुण को जाना है गुड़गांव सो ही विल टेक अनदर 1.5 hours मोर टू रीच हिज प्लेस एंड समीर भैया इज इन नोएडा ओनली एंड देन विवेक विल गो टू दिल्ली तो ही विल टेक 1 hour टू रीच हिज स्टे प्लेस तो इट वॉज अ फंटेस्टिक राइड मज़ा आ गया ट्रिप पे बट अभी जो मतलब स्काई देखने को मिल रहा है ना ऑरेंज कलर का दिस इज़ अल्टीमेट आई होप यू लाइक द वीडियो कुछ वीडियोज में मैं आई बटन में ड्रॉप कर दूंगा इन बिटवीन द एंटायर वीडियो और कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो इसके पहले दूसरे पार्ट है लद्दाख पहले दूसरे पार्ट जो हैं इसके लखनऊ के सो डू वॉच दो वीडियोज ऑल्सो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड
and share the videos with your friends who actually love riding, who love traveling, and who love super bikes. That's all from me. Because रात हो गई है, अब रात में GoPro इतना successful होता नहीं है. So let me shut down the vlog of Lucknow and meet you on any other ride on the road on the bike, whether it's CBR, whether it's a Fat Boy or a Himalayan 450. So bye bye till the next video. Catch you soon.